हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 3 मई 2023 और 3 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे व उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अजीत कुमार मोहंती, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, अजीत कुमार मोहंती जी को, ए के मोहंती को नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी की और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहंती जो है के एन व्यास की जगह लेंगे, किसकी लेंगे, के एन व्यास की जगह ली है, ठीक है ना। मोहंती को मार्च 2019 में बीएआरसी यानी बार्क निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, बार्क निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह दो बार सीईआरएन साइंटिफिक एसोसिएट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस साल 1 मई को मनाया जाता है, यह भारत में पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1923, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब मजदूरों के आंदोलन के संघर्षों और बलिदानों को याद करने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की थी, ठीक है ना, हड़ताल की थी। और भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को कब मनाया गया था, 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था, ठीक है ना। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो इसका क्या है, राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1960, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, महाराष्ट्र दिवस या महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1960 में, कब, 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियमन के साथ मुख्य रूप से मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र के निर्माण में याद दिलाता है। 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम में बॉम्बे राज्य को दो अलग अलग राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, अब गुजरात दिवस, तो गुजरात दिवस भी किस दिन मनाया जाता है, तो ये भी 1 मई को मनाया जाता है गुजरात दिवस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, 1 मई को गुजरात राज्य की स्थापना दिवस है। 1960 में आज के दिन यानी 1 मई को दिन पूर्व राज्य बम्बई को भाषाई आधार पर अलग किया गया था और दो राज्यों में गठन किया गया था। दो राज्य कौन से थे, महाराष्ट्र पहला था, महाराष्ट्र, और दूसरा था गुजरात, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात ने ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई और कराची के वाणिज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव, ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई 2023 को द्वीपीय समूह राष्ट्र की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत मालदीव पहुँचे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं को समीक्षा करने के लिए उनका मालदीव से अपने समकक्ष द्वारा द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। वह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा के बलों को एक तेज गश्ती पोस्ट जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, NPCI भारत बिल पे ने NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL ने NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर किए गए लेन देन के लिए समाधान और निपटान सेवाएं प्रदान करेगा। NOCS प्लेटफॉर्म बैंकों, फिनटेक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है और जल्द ही 5 बैंकों के पहले सेट के साथ लाइव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने नए वन्य संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, तीन नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व। तो राजस्थान में 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की है जो राजस्थान के दुर्लभ और लुप्त प्राय वन जीवों की रक्षा करेंगे। ये 3 नए वन्य जीव संरक्षण बारा में सोरसन, जोधपुर में खीचन और भिड़वाला में हमीरगढ़ हैं। इन 3 के नए अतिरिक्त के साथ अब राजस्थान में कितने 26 वन्य जीव अभयारण्य वन्य संरक्षण अभयारण्य हैं। टोंक में बीसलपुर संरक्षण रिजर्व, बीकानेर में चोदबीड़ गढ़वाला बीकानेर संरक्षण रिजर्व, झुंझुनू में खेतरी बलसायर संरक्षण रिजर्व और पाली में जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कुछ प्रसिद्ध संरक्षण अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, कौन सी बीमा करता प्रीमियम भुगतान के लिए RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाला पहला बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। रिलायंस जनरल यानी CBDC को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई रुपया प्लेटफॉर्म को उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। ई रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है और RBI द्वारा समर्पित एक संप्रभु मुद्रा है। जिन ग्राहकों के पास किसी भी बैंक के साथ सक्रिय ई वॉलेट है वे तत्काल भुगतान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की ई रुपी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। डिजिटल होने के नाते ई रूपी भौतिकी नकदी को संभालने के सभी मुद्दों को दूर करता है और बैंक नोट के समान गुमनामी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। फूड कॉन्क्लेव 2023 हैदराबाद में शुरू हुआ है। फूड कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन संस्करण 28-29 अप्रैल 2023 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तेलंगाना के विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण, जलीय कृषि, खाद्य तेल और मांस प्रसंस्करण उद्योगों में 7218 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि, खाद्य तेल, डेयरी, मांस और पोल्ट्री और एक्वा कल्चर जैसी 5 विषयगत ट्रैक आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लक्षद्वीप, सी ऑप्शन राइट होगा, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक में शुरू हुई है। लक्षद्वीप में भारत के G20 प्रेसिडेंट के तहत यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक 1 मई 2023 को बंगारम द्वीप में शुरू हुई है, जो 2 दिवसीय आयोजन का फोकस बेहतर कृषि पद्धतियों, पौष्टिक भोजन और अधिक पहुंच स्वस्थ खाने की आदतों और पारिस्थितिक रूप से जागरूक और सतत खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अवसर पर काम करना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी।
हाँ हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर आप फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।